नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल पटेल, डायरेक्टर ऑफ सोफ्तामो एजुकेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूँ सोफ्तामो की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर। हर बार की तरह इस बार भी कुछ अलग विषय अलग टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित होने जा रहे हैं, जो लोग सोच रहे पीजी के ऑप्शन के बारे में। तो हाँ जी दोस्तों, यहाँ पे एक ड्रीम कंट्री के बारे में ये वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो आज का ये वीडियो है पीजी इन यूएसए के बारे में। लेकिन ये वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सबसे निवेदन है कि अगर आपने ये चैनल को सब्सक्राइब ना किया, सब्सक्राइब जरूर से कर ले, ताकि आने वाले दूसरे वीडियो के भी आपको बेनिफिट मिल पाए। तो चलिए दोस्तों, बात शुरू करते हैं पीजी इन यूएसए के बारे में, द ड्रीम कंट्री ऑफ ऑल एमबीबीएस एस्पिरेंट्स। तो बेसिकली जब स्टूडेंट एमबीबीएस शुरू करते हैं, तब से उनका एक ड्रीम होता है कि यूएसए से पीजी करना है, या तो कोई भी ड्रीम कंट्री से पीजी करना है। लेकिन जब यूएसए की बात आती है जहन में, तो सब लोगों को एक क्वेश्चन होता है कि इट्स इजी प्रोसेस और डिफिकल्ट। बेसिकली जब क्रीम कंट्री की हम लोग बात करेंगे पीजी के ऑप्शन के लिए, तो उसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है और उसकी जो प्रोसेस ऑफ एडमिशन है वो आपको डिटेल पता होगी, तो आपको उतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं लगेगा ये चीज। तो अगर यूएसए के पीजी की हम लोग बात करेंगे, तो दो टाइप के वहां पे एंट्री लेवल अवेलेबल है। एक जो प्रोसेस है वो है बिफोर कंप्लीशन ऑफ द एमबीबीएस है, और दूसरा एक प्रोसेस जो है वो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द एमबीबीएस है। दोनों का प्रोसेसिंग मेथड अलग अलग है, लेकिन यहाँ पे हम लोग आज डिटेल जो डिस्कस करेंगे वो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द एमबीबीएस के ऑप्शन के लिए बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर हम लोग जानकारी लेंगे कि दोनों ऑप्शन के अंदर डिफरेंस क्या है, तो यहां पे अगर आफ्टर इंटर्नशिप की हम लोग बात करेंगे, तो वहां पे आपको स्टूडेंट का आपका एक लेबल मिट चुका होता है, तो आपको फिर से स्टूडेंट वहां पे बनना पड़ता है। तो वहां पे बैचलर के बाद जो भी मास्टर इन हेल्थ केयर प्रोग्राम अवेलेबल रहेगा, उसका ऑप्शन साथ में लेके चलना पड़ता है। जबकि बिफोर द एमबीबीएस की बात करते हैं, तो वहां पे आपको कोई भी कोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। उसके अलावा दूसरी बात करेंगे, तो यहां पे आपको एमपीएच कोर्स का ट्यूशन फीस का एक बर्डन बढ़ जाता है के ऊपर। जबकि बिफोर द इंटर्नशिप की बात करेंगे, तो वहां पे उसके कोर्स का बर्डन आपको नहीं बढ़ता है। यहाँ पे अगर हम लोग आफ्टर इंटर्नशिप की बात करेंगे, तो आफ्टर एमबीबीएस की बात करेंगे, तो वहां पे प्रोसेसिंग मेथड इट्स इजी। जबकि बिफोर द एमबीबीएस वाला प्रोसेस है वो थोड़ा डिफिकल्ट और टिपिकल प्रोसेस है, जिसका हर एक के पास नॉलेज नहीं होता है। सबसे बड़ा पहलू यहाँ पे देखेंगे तो वीजा, यहाँ पे जो वीजा मिलता है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द एमबीबीएस, वो आपका डायरेक्टली एमपीएच कोर्स के बेस पे 5 साल का वीजा मिलता है। जबकि बिफोर कंप्लीशन ऑफ द एमबीबीएस वाला जो वीजा रहता है, आपको विजिटर टाइप का मिलता है वीजा, दैट मींस आपको लॉन्ग ड्यूरेशन वीजा वहां पे अवेलेबल नहीं रहता है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द एमबीबीएस के अंदर अगर आप वहां पे पीजी के लिए जो यूएसएमएलई एग्जाम क्रैक भी नहीं करते हो आप, तो एमपीएच के बेस पे आप वहां पे पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हो। हालांकि यहां पे एज ए मेडिकल डॉक्टर आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो, लेकिन आप वहां पे सिटीजन बन सकते हो और बाद में भी आप प्रयत्न कर सकते हो दूसरे कोर्सेज। और जबकि बिफोर द इंटर्नशिप वाला जो ऑप्शन है, वहां पे एक बार आपका रास्ता बंद हो गया, तो उसके बाद वहां पे दूसरा कोई ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल नहीं रहता है, आपको रिटर्न बैक इंडिया ही आना पड़ेगा। तो हमारे हिसाब से जो आफ्टर द एमबीबीएस है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द एमबीबीएस, इट्स अ इजी प्रोसेस। उससे पहले आप प्रयत्न करना चाहते हैं, तो वो प्रयत्न करके एमपीएच के कोर्स की फीस बचाने के लिए प्रयत्न कर सकते हैं, अगर आपका एमबीबीएस के बाद पीजी का ड्रीम यूएसए में है तो। वहां पे आपका एमबीबीएस इंडिया में खत्म हो चुका है या फिर अब्रॉड से खत्म हो चुका है, उसके बाद आपने इंटर्नशिप किया हुआ है, उसके बाद आपको यूएसए के अंदर फिर से स्टूडेंट बनने के लिए मास्टर इन पब्लिक हेल्थ या कोई भी दूसरा मास्टर हेल्थ केयर प्रोग्राम होगा, उसके अंदर एडमिशन लेना पड़ेगा। तो वो एडमिशन लेने का प्रोसेस क्या रहेगा, एंट्री की मेथड क्या रहेगी, उसके बारे में यहाँ पे हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट आएगी, वो आएगी आपका आईलेट्स का स्कोर। कोई भी मास्टर कोर्स के अंदर आप जाना चाहते हो, तो 6.5 बैंड मिनिमम रिक्वायरमेंट है, नॉट लेस देन 6। यानी कि 4 मॉड्यूल होते हैं, 4 मॉड्यूल में से किसी भी मॉड्यूल में 6 से नीचे नहीं होने चाहिए, और एवरेज आपका 6.5 बैंड होना जरूरी है। हम लोग यहाँ पे प्रीफर करेंगे 7 बैंड के लिए, ताकि आपको अच्छा यूनिवर्सिटी का ऑप्शन भी मिल पाए। तो यहाँ पे जब हम यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन डालेंगे, तो वहां पे आपका जो डॉक्यूमेंट लगेगा, उसमें 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, एमबीबीएस के पूरे 5 साल के या 6 साल के जो भी कोर्स है, उसके सभी रिजल्ट, फाइनल डिग्री जो आपका रहेगा एमबीबीएस का, वो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, मिनिमम 3 to 4 डॉक्टर्स, वो आप अब्रॉड से पढ़ाई किए तो वहां के यूनिवर्सिटी के भी डॉक्टर का चाहिए एलओआर, इंडियन डॉक्टर्स का भी चाहिए। उसके बाद एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, एसओपी बोलते हैं, वो एसओपी आपको एक प्रॉपर फॉर्मेट में लिख के देना पड़ेगा कि आपका आगे पीजी करने का बेसिक रीजन क्या है। उसके बाद जो आईलेट्स का, जैसे हमने बोला, अगर आईलेट्स नहीं दे रहे हो तो पीटीए आप दे सकते हो विद 50+% मार्क। उसके बाद एफिडेविट सपोर्ट फ्रॉम गार्डियन रिगार्डिंग द फाइनेंस सपोर्ट, बैंक स्टेटमेंट विद मिनिमम ऑफ 35 लाख, और 2 इयर्स फीस एंड 2 इयर्स लिविंग एक्सपेंस टोटल, जो भी सबसे ज्यादा है वो अमाउंट का आपको बैंक बैलेंस दिखाना पड़ेगा। तो इतने डॉक्यूमेंट आपके पहले लगेंगे, जो कि हम लोग यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन वहां पे डाल सकते हैं, प्लस वीजा के लिए भी ये डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड रहेंगे। जैसे
से ही ये डॉक्यूमेंट हमको प्रोवाइड होंगे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग मिनिमम 3-4 यूनिवर्सिटीज के अंदर आपका एप्लीकेशन करेंगे। बेसिकली यहाँ पे कई बार आपको ऐसा डाउट होता है कि एक में क्यों नहीं, क्योंकि जो भी यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन डालेंगे उसमें I-20 आने में टाइम लगता है और कई बार रिजेक्ट भी होता है। तो उसके लिए बैकअप ऑप्शन के लिए 3-4 यूनिवर्सिटी का आपको ऑप्शन लेके चलना पड़ेगा। बहुत कम यूनिवर्सिटी ऐसी है जहां पे फ्री एप्लीकेशन होता है, अदरवाइज $25 to $150 बेसिकली एप्लीकेशन फीस रहता है। ऑन एवरेज अगर हम लोग बात करेंगे तो $50 पर यूनिवर्सिटी आप काउंट करके चल सकते हो। ये डॉक्यूमेंट जैसे हम लोग यूनिवर्सिटी में सबमिट करेंगे 4-6 वीक का टाइम लगता है वहां पे डॉक्यूमेंट एवेल्यूएशन के लिए, और वो एवेल्यूएशन के बेस पे आपको वहां से I-20 यानी कि वहां पे इनविटेशन लेटर वो होता है आपको इश्यू होता है। अगर यहां पे I-20 की बात करेंगे तो I-20 इट्स अ फाइनल एडमिशन लेटर जिसके अंदर आपका कोर्स का नाम मेंशन होता है, ट्यूशन फीस मेंशन होता है, और अगर आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छा होता है और स्कॉलरशिप आपको मिल रही होती है तो वो भी इसके अंदर मेंशन होता है। जैसे ही I-20 आपको इश्यू होगा उसके बाद हम लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन जो होती है US कंसुलेट की उसका DS-160 फॉर्म जो है वो फिलअप करेंगे ऑनलाइन, और वहां पे हम लोग अपॉइंटमेंट लेंगे। वहां पे दो टाइप की अपॉइंटमेंट आपको लेनी हो, एक तो होती है OFC फिंगरप्रिंट के लिए, आपके फिंगरप्रिंट स्कैनिंग की एप्लीकेशन होती है, और दूसरा वीजा इंटरव्यू फेस टू फेस। यहाँ पे इंटरव्यू होता है, आपको US कंसुलेट में जाना पड़ता है और वहां पे आपको फेस टू फेस इंटरव्यू देना पड़ता है जिसका इंटरव्यू का प्रिपरेशन प्रॉपरली सोफ्तामो की टीम आपको करवाएगी। यहाँ पे जो ऑनलाइन एप्लीकेशन होगी वहां पे दो टाइप की फीस आपको पे करनी पड़ती है, एक होती है वीजा फीस जिसका वैलिडिटी होता है ओनली फॉर द वन टाइम ऑफ वीजा एप्लीकेशन, और दूसरा रहता है सर्विस फीस जिसका वैलिडिटी होता है फॉर द वन ईयर। वीजा फीस जो रहती है $160 होती है, वो आप एक्सिस बैंक के थ्रू पे कर सकते हो, और उसके अलावा अगर सर्विस फीस की बात करेंगे तो वो $350 होती है, वो क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो वहां पे। अगर यहाँ पे ये वीजा आपका कंप्लीट एप्लीकेशन हो जाता है, वीजा का इंटरव्यू दे देते हो और वहां पे रिजेक्शन होता है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप सेम नेक्स्ट डे वीजा अप्लाई कर सकते हो। वहां पे सिर्फ और सिर्फ आपको वीजा फीस पे करनी पड़ेगी। दूसरा, जब वीजा रिजेक्शन होता है तो कोई भी वहां पे रीजन मेंशन किया नहीं होता है और आपको वहां पे पूछने का भी हक नहीं है, और बेसिकली अगर आप पूछ भी लेते हो तो वहां पे आपको 214B फॉर्म दे दिया जाता है और आपको बोल दिया जाता है कि आप ठीक से पढ़ लीजिए, वो आपको ही चेक करना पड़ता है। यहाँ पे जो DS-160 फॉर्म में जो लिखा है और उससे अलग कुछ आंसर आप दे रहे हो तो वहां पे आपका वीजा रिजेक्ट होने का सबसे बड़ा चांस रह जाता है। अभी यहाँ पे बात आएगी कि फाइनेंस क्या दिखाना रहता है। यूएस के अंदर टोटल आपको तीन चीजें याद में रख के चलनी है, एक एकेडमिक एक्सपेंस है, दूसरा फाइनेंस मैनेजमेंट है, और दूसरा है प्रॉपर्टी एवोल्यूशन है। आपका जितना फाइनेंशियल बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग आप रिप्रेजेंट करेंगे उतना ही वीजा सक्सेस रेशियो का चांस बढ़ जाता है वहां। यहाँ पे अगर हम लोग एकेडमिक एक्सपेंस की बात करेंगे तो अकॉर्डिंग टू द I-20 डिटेल्स जो आपकी ट्यूशन फीस मेंशन किया हुआ है और जो आपका लिविंग एक्सपेंस होता है, जो 2 साल का जो है वो एक्सपेंस होता है, उतना अमाउंट आपको शो करना रहता है। तो किस पैटर्न में आप शो कर सकते हो, तो जो भी आपके पेरेंट्स का बैंक अकाउंट है, सेविंग अकाउंट बैलेंस है वो आप दिखा सकते हो, फिक्स्ड डिपॉजिट है वो आप दिखा सकते हो, लोन लेटर अगर आपको कोई बैंक प्रोवाइड कर रहा है तो लोन लेटर इट्स अ गुड ऑप्शन, और GPF अगर आपके पास पड़ा हुआ है तो वो आप वहां पे शो कर सकते हो। उसके अलावा फादर मदर्स एनुअल इनकम, सालाना कितना इनकम है फैमिली के अंदर, वो भी आप ट्राई करें मिनिमम 12-15 लाख शो करने के लिए एनुअल इनकम फादर मदर की, जिसके अंदर पेमेंट स्लिप आप जो पे स्लिप होता है वो शो कर सकते हो, IT रिटर्न का कॉपी अगर अवेलेबल है तो IT रिटर्न दोनों का आप शो कर सकते हो। दूसरा, अगर कोई प्रॉपर्टी है आपके पास जो रेंट पे दिया हुआ है तो रेंटल इनकम भी आप यहाँ पे दिखा सकते हो, तो फार्मिंग इनकम भी आप यहाँ पे शो कर सकते हो, एंड अदर सोर्स ऑफ इनकम अगर दूसरा कोई बिजनेस आपने एक्सपेंशन किया हुआ है जिसके वहां से आपको इनकम हो रहा है हर साल तो वो आप यहाँ पे दिखा सकते हो। उसके बाद जो लास्ट जो चीज आती है प्रॉपर्टी वैल्यूएशन, प्रॉपर्टी वैल्यूएशन जो आपको CA प्रोवाइड करता है, ट्राई करें मिनिमम 1 करोड़ रुपीज जितना आप प्रॉपर्टी शो कर पाए, जहां पे आपका हाउस वैल्यू भी काउंट करता है, आपका फार्म का वैल्यू भी काउंट होता है, प्लस कोई कॉमर्शियल प्रॉपर्टी आपके पास अवेलेबल है तो उसका वैल्यूएशन इसके अंदर कंसीडर किया जाता है। दूसरा, एकेडमिक आपका अच्छा है, आईलेट्स अच्छा है, एंड आपका फाइनेंस अच्छा है, एंड जो आपका मोटिव है वो तो अच्छा ही है डेफिनेटली, क्योंकि आप मेडिकल से PG करना चाहते हैं, तो यहाँ पे रिजेक्शन का रेशियो ऑलमोस्ट 0% हो जाता है। US में एंट्री लेने के बाद आप वहां पे जाके आपका MPH कोर्स के पैरेलली USMLE 1 का प्रिपरेशन कर सकते हो, इवन आप इंडिया से भी दे के जा सकते हो। लेकिन ये प्रोसेस शुरू करने से पहले एक खास जानकारी ध्यान में रख ले कि आपकी जो यूनिवर्सिटी आपने पढ़ाई की हुई है वो ECFMG से अप्रूव
अप्रूवल है कि नहीं वो खास से चेक कर ले, क्योंकि अगर वो यूनिवर्सिटी से एफएमजी अप्रूवल नहीं होगी तो ये सब मेहनत करने का कोई मतलब नहीं रहेगा वहां पे। तो आप जैसे ही यूएस जाएंगे उससे पहले भी यूएसएमएलई 1 एंड यूएसएमएलई 2 सीख के ये दोनों इंडिया से क्लियर करके आप वहां पे मूव हो सकते हो, और वहां पे जाने के बाद भी आप दे सकते हो। अगर अच्छा स्कोर लेना है आपको तो यूएस में जाके वहां पे एमपीएच के पैरेलली यूएसएमएलई का कोचिंग लेके एग्जाम देंगे, तो हम लोग प्रीफर करेंगे वहां पे जाके ही करने के लिए। तो जैसे ही आपका एमपीएच का कोर्स खत्म होगा, पैरेलली यूएसएमएलई 1 एंड 2 सीके खत्म होता है, एमपीएच कंप्लीट करने के बाद आप कोई भी वहां पे लोकल हॉस्पिटल के अंदर रोटेशन के लिए अप्लाई कर दीजिए। वहां पे पेड रोटेशन अवेलेबल होता है, तो वो रोटेशन जो करेंगे वो रोटेशन के अंदर जो एक्सपेंस लगता है वो डिपेंड ऑन द हॉस्पिटल $450 to $4,500 का एक्सपेंस लगता है आपका, तो वो एवरी मंथ होता है एक्सपेंस, वो ध्यान में रखना आवश्यक है। तो ये जो रोटेशन होता है सजेस्टेड है 72 वीक्स का, उससे कम होता है तो कई बार चल जाता है, क्योंकि आपने इंडिया से सपोज इंटर्नशिप किया हुआ है तो उसके भी क्रेडिट वहां पे कंसीडर किए जाते हैं। वो रोटेशन कंप्लीट होने के बाद आप 2CS का एग्जाम देंगे और उसके बाद USMLE 3 का एग्जाम देके फिर मैचिंग प्रोसेस को फॉलो करके आप वहां पे डायरेक्टली पीजी के लिए अप्लाई कर सकते हो। पीजी वहां पे जो है वो कंप्लीटली फ्री ऑफ चार्ज रहता है, तो पीजी का कोई एक्सपेंस नहीं होना है। तो आपका वहां पे जो आप एमपीएच कोर्स कर रहे हो उसका एक्सपेंस लगेगा, और उसके पैरेलली जो आप USMLE के एग्जाम दोगे उसके कोचिंग का एक्सपेंस लगेगा, उसके बाद जो भी मैचिंग प्रोसेस के लिए जो कंसल्टेशन आप ले रहे हो उसका एक्सपेंस, एंड जो पेड रोटेशन कर रहे हो पेड रोटेशन का एक्सपेंस, ये सब खर्चा मिला के मोटा मोटा आपको करीबन 50 to 60 lakh का बजट कंसिडर करके चलना है यहाँ पे ओनली फॉर द एकेडमिक एक्सपेंस। लिविंग एक्सपेंस वो अलग से रहेगा, लेकिन यहाँ पे एक बेनिफिट वो भी हो जाता है कि आप जब पढ़ाई कर रहे हो तो वहां पे यूएस के अंदर वीकली 20 आवर्स का जॉब परमिशन आपको अलाउ होता है। दैट मीन्स जितना आप एक्सपेंस कर रहे हो उतना इनकम जनरेट आप वहां पे कर लेते हो, तो आपको पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं रहती है। अगर आप वहां पे यूएसएमएलई इन फ्यूचर क्वालिफाइड नहीं कर पाते हो तो वहां पे एमपीएच कोर्स के बेस पे आप जो जॉब करते हो उसके बेस पे पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो आई थिंक दोस्तों ये जो एक पार्ट था पीजी इन यूएसए के बारे में वो आपको समझ आ चुका हो डिटेलिंग में। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है आपको, तो आप हमको दिए गए नंबर के ऊपर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पे वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना या सब्सक्राइब करना ना भूले। उसके अलावा मेरा निवेदन है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब जरूर से कर ले, और अगर आपको कोई भी डाउट है कोई भी क्वेश्चन है तो दिए गए मेल आईडी के ऊपर मेल भी कर सकते हो। उसके अलावा हमारा चैट सेक्शन अवेलेबल है जहाँ पे जाके आप चैट करके हमारे एग्जीक्यूटिव से बात भी कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद, टेक केयर।